खिताब करेंगे ट्रिब्यूनल बिठा दिए और एक सिलसिला चल पड़ा और ये मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो तीन लोग थे जो तीन क्लासेस थी जिन्होंने प्रोटेक्ट डिफेंड और प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन करनी थी लेजिस्लेचर को पहले ऐसे कमजोर किया गया और हम आज तक कमजोर हैं आर्टिकल 225 आई बिलीव जो के कहता है अगर एक बार मैं इलेक्ट हो जाता हूँ लेजिस्लेचर में आता हूँ पांच साल की टर्म होती है मेरे अगर सर पे तलवार लटकी रहेगी कि चार साल और तीन सौ डे पे मुझे कोई डिस्कवालीफाई कर देगा इसलिए कि यही हो, होता रहा है। चार चार साल बाद लोग डिस्कालीफाई हुए लेकिन आइन क्या कहता है कि एक ही तरीका है दो आर्टिकल है कि जी किसी को अगर आपने किसी की इलेक्शन चैलेंज करनी है तो वह आप कहेंगे करेंगे थ्रू दी इलेक्शन लॉज इलेक्शन लॉज जो थे जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था उसके अंदर दिया हुआ है साठ दिन के अंदर आपने जो है अपील दायर करनी है तो साठ दिन दो महीने पहले मुझे डरना चाहिए कि शायद कोई अपील दाखिल हो जाए और उसके बाद ट्राइब्यूनल को चार महीने होते थे यानी पूरे टोटल छ महीने छ महीने के बाद आप किसी को डिस्कॉलीफाई नहीं कर सकते थे और उसमें यह भी था कि अगर कोई शख्स डिले कर रहा है तो जज का इख्तियार था कि वो उसके बेसिस पे भी उसे डिस्कवालिफाई करे अभी हमने फाइनली 2017 में उसको अमेंड किया बहुत अमेंडमेंट आई हुई 2017 में अमेंडमेंट की तो उसमें एक दे दिया उनको लाइसेंस कि जी आप जितना चाहें डिले करें कोई उस पर पे पेनल्टी लगा दी ये पेनल्टी होगी आप पैसे देते जाएं और किसी को लटकाते रहे अगर एक लेर लेजिस्चर के ये डर होगा कि वो ए, किसी वक्त भी डिस्कालीफाई हो सकता है वो फ्रीली कैसे काम करेगा मेरा यह ख्याल है कि इस तरीके से लेजिस्टर कमजोर किया गया आ जाए पे एग्जेक्यूटिव को आर्टिकल 248 के जरिए इम्यूनिटी हासिल है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ये इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी किसी कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं है मुझ समेत मेरी काबीना के सारे लोग कोर्टों तो में इस वक्त मेरा ख्याल है इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी और उसमें बहुत ही एहतराम के साथ जुडिशरी एक चीज में आप बताना भूल गया दी एंड दिस आई लर्न फ्रॉम शहीद जुल्फार अली भुट्टो स्पीच विच ही मेड ऑन द टेंथ ऑफ अप्रैल उस वक्त कंसिडरेशन में यह था कि पार्लियामेंट को बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम पार्लियामेंट को पावर होना चाहिए टू इम्पीच जजेस और बहुत ही इतराजा किए गए और भुट्टो साहब इसलिए कि एक मुत उन्होंने कहा था कि मुझ मैं मेरे पास मेजॉरिटी है मैं मेजोरिटी से आइन नहीं लाना चाहता मैं कंसेंसस से आइन लाना चाहता हूं तो उन्होंने वो कंडीशन विद्रॉ की और बताया अभी लगारी साहब ने कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज तक दो केसेस चेक जो बता रहे थे कि ये मुझे नहीं हिस्ट्री पता ज्यादा लेकिन वो पावर अगर पार्लियामेंट को होता जो कि इंडिया में है अक्रॉस द बॉर्डर पार्लियामेंट कैन इम्पीच जजेस तो शायद ये इधारा बैलेंसिंग एक्ट कोई होता, और वो नहीं हो सका खैर मैं बता रहा था वो 248 का भी चला गया तो आपने एग्जीक्यूटिव को कमजोर किया हमें उम्मीद सिर्फ और मैंने उस 2019 में कहा था अदलिया से थी वक्त एक ऑनरेबल जज के मैं नाम नहीं लूंगा वो उधर बैठे थे और बहुत एहतराम है उनका एक आर्टिकल था जो मैंने कोट किया था उस दिन मैं नाम नहीं लूंगा जज साहब का उनका आर्टिकल था सलिंग डेमोक्रेसी जुडिशरी इज द लास्ट होप और बड़ा अच्छा रीड दैट आर्टिकल एन हिम जजमेंट ही सेड कि जुडिशल एक्टिविज्म जो है कि वो एक केस उनका मैंने उधर ही कोर्ट किया था बताया था कि उनका केस था कि एक शख्स चला गया कि जी सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी और कोर्ट ने जो है सरकार को हुक्म किया इसको नौकरी दे दो अपील में जब उन जज साहब के पास गए कहते ये मेरा काम ही नहीं ये एग्जीक्यूटिव का काम है और उस वक्त उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में होगी अगर हम एक दूसरे के टर्फ को इनक्रोच करेंगे एग्जीक्यूटिव के टर्फ को इनक्रोच करेंगे तो आखिरी उम्मीद ये जुडिशरी थी रह गई है मैंने उस दिन ये कहा था कि मैं अपने आप को इस नहीं समझता कि जो मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई है इसलिए मुझे कमज़ोर कर दिया गया है एज लेजिस्लेचर, एज एग्जीक्यूटिव मुझे कमज़ोर कर दिया गया है लेकिन जुडिशरी को अब जिस तरीके से वो सिक्सटी थ्री ए की जजमेंट है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट नो वो, respect, know, वो अब, अब तो इतनी बार हम हम ये बातें कर चुके हैं कंटेम्प से डर नहीं लगता इतना लेकिन और बहुत चीजें हो गई हैं अच्छा कंटेम्प का भी जिक्र करूँ मैंने उसने जिक्र किया था कि कंटेंट ऑफ कोर्ट से डराया जाता है वो मैंने यूके के अंदर एक कोई केस था मुझे स्पाई कैचर के समथिंग बैठे उनको उसमें कोई फैसला जुडिशरी ने किया तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस थे लॉर्ड टेम्पल्टन आई बिलीव नाम था और दो और जजेस तो अगले दिन अखबार ने जो उनका बड़ा जो भी बड़ा अखबार था मुझे उसने उन तीनों जजेस की उल्टी तस्वीरें छाप के और नीचे कैप्शन दिया थ्री ओल्ड फूल्स तो एक शोर हंगामा हो गया यही तो बड़ी कंटेम्प्ट हो गई तो जो लॉर्ड टेम्पल्टन थे चीफ जज तो उन्होंने कहा कि कि उनसे कहा गया कंटेम्प्टोटिस का नोटिस मैं का नोटिस नहीं लूंगा इसलिए कि ये पार्शियली ठीक है हम तीन थे ओल्ड सो दैट इज राइट ही थिंक्स वी आर फूल्स दैट इज फॉर द पब्लिक फॉर फॉर अदर्स टू डिसाइड सो यू नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक टेकम्प्ट इधर आप आज तो करके देखें इस टाइप की कोई चीज कहा कमजोर पे वो एकदम उठ के आते हैं और इस वक्त जो हमने खुद देखा था जुडिशरी को कमजोर अब हमें कहा जा रहा है कुछ आ रही है कि अगर कुछ एतराज उठाए जाते हैं जो कि परफेक्टली वैलिड है कि बेंच के ऊपर एतराज उठाना मेरा ख्याल है मैं मैं आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट बट मैंने इट्स परफेक्टली वैलिड लेकिन जो ये पास्ट में कहते रहे कि चीफ जस्टिस साहब तुम्हें अगर बिकना ही था तो इतने कम कीमत पे क्यों बिके उस पर कोई एक्शन नहीं ली जाता अब ये अगर जुडिशरी इतनी वीक हो गई है तो वो जो लास्ट होप फॉर डेमोक्रेसी उसमें डर लगने लगता है अब वापस लाने के लिए चेयरमैन बिलावल साहब बैठे हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियंस सारे हमारे बैठे हैं क्योंकि वी नीड टू ब्रिंग दी 73 कॉन्स्टिट्यूशन बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप इट्स नॉट इन इट्स ओरिजिनल शेप ले पावर्स और लेनल असेंबली पावरफुल कब होगी जब नेशनल असेंबली के मेम्बर पावरफुल होंगे एक इमारत एक इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होती उसके अंदर जो लोग बैठे हुए अगर आप उनको ऐसे डराते धमकाते रहेंगे कि वो हर वक्त डरें तो वो कहाँ से अपना काम दुरुस्त कर सकेंगे कैसे पब्लिक को सर्व कर सकेंगे मेरी बस यही दो तीन गुजारिश थी इस फोरम के जरिए ये 70 पचास साल पूरे हैं लेट्स ब्रिंग दी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज बैक वो मैं एग्जेक्टिव की बात कर रहा था कर रहा था इस वक्त वो जो 2017 का कानून है ना मैंने बताया था ना सिर्फ तीन डिसकॉलीफिकेशन होती जब जाते थे वो आर के पास सिर्फ तीन चीज़ें प्रूव करनी होती थी न, मैं जी पाकिस्तानी शहरी हूँ मेरी उम्र पच्चीस साल है एंड दैट इज इट मेरे हिसाब से तो उस वक्त कोई जेल में बैठ के कन्विक्टेड आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता था अगर लोग उसे इलेक्ट करें तो वो इलेक्टेड होता था अब क्या होता है कि जी वो हमने पावर दिया है खुद रूल्स में नेशनल असेंबली ने पावर दिया का दो हजार सत्रह का कानून देख लें कि आर ओ जो है वो पुलिस एफ आई ए नैब कई इलेक्ट्रिक वापदा यू you नो know, सबसे इंफॉर्मेशन ले जी और कोशिश करेगी कि इस शख्स को नाहल करो ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको आप आप सारे जो लोग जाते हैं नॉमिनेशन के लिए करते हैं कितने हम वो जो पलंदा होता है ना वो इतना मोटा बना के ले जाते हैं ये इतने ही हमारी नॉमिनेशन पेपर होता है मैंने अपने वालिद के नॉमिनेशन में चार सफे होते थे उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती थी अब हम इतना पलंदा ले जाते हैं और डरते हुए ले जाते कि यार कोई कागज रह तो नहीं गया ये क्या तरीका है मतलब ये इस उस शख्स को आप कह रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि अपने लोगों से जाके वोट लें और कल रिप्रेजेंट करें और तो ये कुछ चीज़ें थी मैं चाह रहा था कि ये फोरम मिल गया और मैंने यही बातें चीफ जस्टिस जस, सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के सामने भी की थी मैं अब मुझे मौका मिला है पार्टी लीडरशिप है हम सारे काफ़ी इधर लेजिस्टर्स बैठे हैं मेक आर सल स्ट्रॉन्ग सो दैट वी कैन डिलीवर और अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तो हमें कहीं ना कहीं फिर रुक जाना पड़ेगा कि कभी किसी जुडिशरी की डर की वजह से कभी किसी और के डर की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया जीए भुटो